हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग आए हो? फाइन हो गए, बहुत बढ़िया हो, बहुत मस्त हो गए। जैसे कि देख सकते हैं आज हम जाने वाले सुंदरा जी। गाइस वहां पे गर्म पानी ऐसे ही निकलता है, पाताल लोक से गर्म पानी निकलता है गाइस। ऐसा आपको लोकेशन आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है गाइस। गाइस तो ये महाभारत और रामायण की कथा से जुड़े हुए कुंड है गाइस। गाइस तो वहां पे काफी ज्यादा वैज्ञानिक आए और काफी ज्यादा रिसर्च करे, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि ये गर्म पानी कहाँ से आता है। तो गाइस आपको सारा सारा हिस्टोरी आपको बताने वाला हूँ और दिखाने भी वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो को एंड तक, तब जाकर आपको सारा का सारा पता चलेगा, ठीक है गाइस। तो नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर देना गाइस। तो यहाँ पर हाईवे पे हम खड़े हैं और ये हमारी KTM और ये हमारी बैग और ये हाईवे। यहाँ पर मैंने बाइक पार्किंग कर दी है, अब हम चलते आगे और विजिट करते हैं दो टेंपल की, ठीक है। तो आपको मैं टेंपल आपको दिखाता हूँ ठीक से, ठीक है। तो है राम जी का टेंपल, ये बहुत ही बड़ा टेंपल है, और आगे वाला है ये शिव जी का टेंपल, ये भी बहुत बड़ा टेंपल है। दो टेंपल है, मैंने जितना हो सका उतना शूट किया, ठीक है। ये है बढ़िया देव का टेंपल, ये काफी छोटा टेंपल है, ठीक है गाइस। तो आगे हम चलते हैं और ये देख सकते हो शनि देव का टेंपल, लेकिन ये काफी छोटा है। तो आगे देख सकते हो यहाँ पर पानी की परब है, और आगे हम चलते हैं अब कुंड की तरफ, ठीक है गाइस। तो हम जा रहे हैं गर्म पानी और ठंडे पानी के कुंड की तरफ, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ सारा का सारा, ठीक है। यहाँ से गर्म और ठंडे पानी के कुंड यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आगे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। भगवान राम के चमत्कार के बारे में पौराणिक कथाओं और कई जगह पर वर्णन किया गया है। ऐसा ही चमत्कारों में से एक भगवान राम के हाथ से बना हुआ यहाँ पर गर्म और ठंडे पानी के कुंड है। लोक कथाओं के अनुसार श्राप के कारण सर्वंग नाम का एक ऋषि था, उसको चमड़ी का रोग था, उसको प्रेरित थे। उनको श्राप से मुक्ति करने के लिए भगवान श्री राम ने धरती पर बाण चलाया था। जिस जिस जगह पर बाण चलाया था उस जगह पर गर्म और ठंडे पानी के कुंड बन गए थे। अगर यहाँ पर आप रेगुलर 5 संडे स्नान करते हो तो आपको चमड़ी का रोग होता है तो सारा का सारा मिट जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कुंड महाभारत और रामायण के समय से है। श्रावण के महीने में यहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है और एवरी संडे यहाँ पर काफी बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं, तो आप भी यहाँ पर जरूर आना, ठीक है गाइस। गाइस यहाँ पर गर्म पानी और ठंडे पानी के साइड में यहाँ पर छोटे बच्चे के लिए यहाँ पर है गार्डन, छोटा सा गार्डन है लेकिन बहुत ही अच्छा गार्डन है। यहाँ पर गाय भी है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्यारी प्यारी गाय है। यहाँ पर ये फागवेल से ओनली फॉर 10 किलोमीटर दूर पे आया है लसुंदरा गांव, ठीक है गाइस। तो आप गूगल पे सर्च करके भी आना, ठीक है। गाइस तो यहाँ पर एक हमारा छोटा सा बच्चा खाना खा रहा है दाबेली, ठीक है। और यहाँ पर हम आए हैं दाबेली खाने के लिए, और ये मेरा फ्रेंड दाबेली खा चुका है और मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरा उपवास है इसलिए।